और ये दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5,000 ईच है, मतलब तीनों को पार्टनर को 5,000 है। फिर दिया हुआ है सैलरी ₹6,000 टू सी, सैलरी को 6,000 किसको मिलेगा, सी को मिलने वाला है। ओके एंड कमीशन किसको मिलने वाला है, बी को मिलने वाला है, कितना 7,000 एंड 4,000 टू सी। ओके ये सब तो था, ऊपर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना हम भूल गए। ठीक है, 4,000 फ्रॉम ए एंड 2,000 कैश फ्रॉम बी एंड सी ईच, और 2,000 किससे, बी और सी से। तो मतलब हम लोग इस क्वेश्चन को पहले समझा दूं मैं आपको, तो ऐसा है क्वेश्चन, मान लो एक फॉर्म है, ये फॉर्म है और यहाँ पे तीन पार्टनर हैं। ओके तो सबसे पहले तो ये पार्टनर, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, ओके IOC, ओके फिर सैलरी भी नहीं दिया सी को, ठीक है सैलरी भी नहीं दिया, फिर कमीशन नहीं मिला, ओके कमीशन भी इनको नहीं मिला। इतनी सारी मिस्टेक्स हो रही है देखिए। ओके उसके बाद ये सब तो नहीं हुआ, ऊपर से इनसे क्या हुआ, ड्राइंग्स भी चार्ज करना, मतलब ड्राइंग्स तो इनसे लेना भूल गई फॉर्म। फॉर्म तो ड्राइंग देती नहीं है, लेती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लेती है, ड्राइंग्स तो देती है बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करती है इन रिटर्न। तो इनसे क्या की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना भूल गई। ओके तो लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स आर डन बाय द फॉर्म एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे तीन चार तरह की मिस्टेक्स हुई है फॉर्म से। ओके और हमें क्या करना है, एक ही एंट्री पास करके इसको रेक्टिफाई करनी है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं अभी देखते हैं। ओके सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन। ओके तो हमें सबसे पहले क्या, हमने चार्ज करना भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग IOC। ठीक है IOC कितना चार्ज करना था, IOC हमेशा जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं तो उसमें क्रेडिट होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्रेडिट। ओके 5,000 5,000 5,000। ओके देन सैलरी, सो सिंपल इट इज, सैलरी थोड़ा सा भी ट्विस्ट आने वाला है, रेडी फॉर दैट। ओके देन कमीशन, कमीशन भी हम लोग क्रेडिट करते बनाते वक्त, दैट इज 7,000 एंड 4,000। ओके एंड नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, डेबिट के साइड आता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेबिट। ओके और ये ब्रैकेट में आ जाएगा डेबिट है, तो कितना आता है 4,000, 2,000 है एंड 2,000 है। चलिए अब हम लोग क्या करते थे पिछला वीडियो में, अगर यहाँ क्रेडिट होता था तो यहाँ लास्ट में डेबिट कर देते थे सार, और उसको जोड़ करके अमाउंट यहाँ लिख लेते थे। ओके और अगर यहाँ पे डेबिट होता था तो हम लोग क्रेडिट कर लेते थे और जोड़ करके अमाउंट लिख लेते थे। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए डेबिट भी है और क्रेडिट भी है, ठीक है तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लिखना क्या है। ओके ये पहला आपका, यहाँ पे खड़े होकर के आपका, आपको दो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पहला तो यहाँ पे डेबिट लिखे कि क्रेडिट लिखे, फर्स्ट सिचुएशन। ओके और दूसरा यहाँ पे अमाउंट कौन सा लिखे, जो कि हम लोग 3:2:1 में जो हमारा बढ़ता था अमाउंट, ठीक है तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम यहाँ पे आके आप खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ इसका सोल्यूशन क्या होगा और इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके हियर यू हैव टू थिंक टू थिंक, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, डेबिट और क्रेडिट, एंड व्हाट विल बी द अमाउंट। ओके तो सबसे पहले है कि हमको ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉम्स रूल लगाना पड़ेगा। आप देखे होंगे, आप जब आप जो आपकी माँ है वो क्या करती है, कमजोर बच्चे का साथ देती है, ठीक है कमजोर बच्चे का साथ देती है, तो यहाँ पे कमजोर कौन है, देखिए ऐड करिए, हमारा जो डेबिट है बेचारा, दो बेटा है अकाउंट्स में, तो दो बेटे होते ही हैं, कौन कौन से बेटे का क्या नाम है, पहले बेटे का नाम है डेबिट, दूसरे बेटे का नाम है क्रेडिट,
डेबिट के पास कितना है 8,000, आप अगर तीनों को ऐड करो तो 8,000 है, एंड बेटा क्रेडिट के पास कितना है 10, 20, 25, 32, ओके। तो एक मॉम है, उसके दो बेटे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको मॉम्स का रूल लगाना है हमेशा। देखोगे आप, गौर करोगे, आपकी जो मॉम है वो कमजोर बेटे का ज्यादा साथ देती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हम लोग कमजोर बेटे का ही साथ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कमजोर कौन लग रहा है, डेबिट लग रहा है। एक सॉल्यूशन तो मिल गया, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डेबिट लिखना है, ओके। अब दूसरा चीज ये है कि अब यहाँ पे अमाउंट कौन सा लिखा जाए, ओके, अमाउंट कौन सा लिखा जाए। तो इसमें क्या होगा, ये देखिए इसके पास 8,000 ही है और इसके पास 32,000 है। तो अभी डेबिट बेटा क्या करेगा, अपनी मॉम के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे बराबर करने हैं आप अपने आप को। तो बराबर करने के लिए इसको और कितना चाहिए, 24,000 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है यही हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे। सो यू हैव टू प्रॉपरली रिमेंबर द रूल, ओके, मॉम्स रूल। मॉम क्या करती हैं आपका कि मम्मी रूल और मॉम्स रूल, ओके, क्या करती है यहाँ पे आपको कि जो कमजोर है उसका साथ देती हैं। और ये जाकर के क्या बोलता है कि मम्मा मुझे भी इतना बराबर बनना है, तो उसको इतना अमाउंट ला करके जो डिफरेंस अमाउंट है वो दे देती है, और यही डिफरेंस अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। तो बस यही दो चीज आप याद रखोगे तो ये आपका दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि कौन सा अमाउंट यहाँ लिखा जाए और यहाँ पे डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे जो कि आप डेबिट लिखे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप ब्रैकेट आने लग जाएंगे, ओके। एंड 24,000 को आप क्या करोगे, 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 12,000, 18,000 एंड 4,000। ऑल राइट, उसके बाद जो आएगा हमारा वो हो जाएगा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट विल बी 11,000 इन ब्रैकेट, दैट इज डेबिट, एंड दिस इज 2,000 क्रेडिट, 9,000 क्रेडिट। बस यही सेम जो लिख दिए हम लोग इसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिख लेंगे। तो जर्नल एंट्री के फॉर्म में क्या हो जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 11,000 2,000 9,000, ओके। अब हमारा नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट दूसरा केस देखते हैं। लेस्ट प्रोसीड टुवर्ड्स द केस नंबर 5, ओके। इस केस में हम देखेंगे कि शेयरिंग प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, मतलब हमने क्या किया है, शेयर करना चाहिए था, जो भी गिवन रेशियो है उसमें शेयर नहीं करके हमने प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो से शेयर कर दिया है। तो ये क्या हो गई है, एक गलती हो गई है जिसे हमें रेक्टिफाई करना है। तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो आई एम रीडिंग आउट अ क्वेश्चन, ए बी सी आर 3:2:1 पार्टनर, दे डिवाइडेड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर रुपीज 90,000 इक्वली बाय मिस्टेक, पास एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और इनका प्रॉफिट है 90,000, बट इन्होंने क्या किया है, बाय मिस्टेक गलती से इसको इक्वली बांट दिया है, ओके। तो हम सबसे पहले तो क्या, अगर मान लो मैं आपको रॉन्ग रेशियो में आपको मैं प्रॉफिट जो दे चुकी हूँ, मतलब रॉन्ग बांट लिया, दैट मीन्स वॉट, प्रॉफिट ऑलरेडी पार्टनर्स को दे दिया है इसने, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, हम जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले रॉन्ग रेशियो वाला, सबसे पहला स्टेप आप ध्यान में रखिए, आपको ये करना है कि उससे क्या करना है कि उससे प्रॉफिट वापस मांग लेना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोई ऐसा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले आपको, सब आप तो सबसे पता है कि आप रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट उसको दे चुके हैं, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना है कि आप उसको प्रॉफिट दे चुके हैं, भले आप रॉन्ग रेशियो में दे चुके हैं। सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि उससे प्रॉफिट वापस ले लो, जो भी आपने दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट उससे मांग लेंगे वापस। तो रॉन्ग प्रॉफिट
90,000 इन 1:1:1, ठीक है, इसको डेबिट करेंगे, मांग रहे हैं मतलब डेबिट करेंगे, ओके, तो हो जाएगा 30,000, ऑल राइट। अब उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट में बांट देंगे, करेक्ट प्रॉफिट इन 3:2:1, दैट इज क्रेडिट, ठीक है, 45,000, 30,000 एंड 15,000, ये जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा नेट इफेक्ट, ओके, तो हो जाएगा यहाँ पे 15,000 क्रेडिट, इसको कोई मतलब नहीं है, जिसको जितना उसको हुआ था उतना उसको मिल चुका है, एंड हियर 15,000 इन डेबिट, ओके। अब इससे हम देख करके एक जो जर्नल एंट्री है वो इधर पास कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 15,000 एंड 15,000, ओके। अब हमारा एक और केस बचा हुआ है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, सो पेशेंटली यू हैव टू लिसन द थिंग्स, ओके, सो दिस इज केस नंबर 6 एंड आई हैव रिटन द एग्जाम्पल, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन रॉन्ग रेशियो एंड द ओमिशन एज पर, इसमें दो केसेस है, एक तो आपने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में शेयर कर दिया है और दूसरे आपने बहुत सारे ओमिशंस भी कर दिए हैं, लाइक आपको मैं बता रही हूँ कि ए बी सी और तीन पार्टनर है, 3:2:1 है और ये लोग इतने सारे मिस्टेक्स किए हुए हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिला है, सैलरी भी नहीं दिया है एक्स एंड जेड को, कमीशंस भी नहीं दिया है वाई एंड जेड को, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 1,40,000 वॉज रॉन्गली डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:3:1, ओके, और आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ओके, तो इस आपको समझ में आ गया आपको करना क्या है। आप ऐसा क्वेश्चन में कैसे डील करोगे, सबसे पहले तो हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं, ओके, ए बी सी हमारे तीन पार्टनर हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही कहा था कि अगर आप किसी को रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको प्रॉफिट हैंडओवर कर दिया है, सबसे पहले उनसे हमें वो रॉन्ग प्रॉफिट मांगना है, ठीक है, तो पहला स्टेप याद कर लीजिए, हमारा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रॉन्ग प्रॉफिट वाला, सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप उससे प्रॉफिट सीधा मांग लो, ओके, दे दीजिए भैया मेरा रॉन्ग वाला प्रॉफिट, रॉन्ग प्रॉफिट्स 1,40,000 था इन 3:3:1 के रेशियो, सॉरी 3:2:1 के रेशियो में, ओके, इसको हम डेबिट कर रहे हैं, मांग रहे हैं मतलब डेबिट कर रहे हैं, 60,000 विदाउट, सॉरी देर इज अ मिस्टेक, रॉन्गली वॉज रॉन्गली डिवाइडेड इंटू रेशियो 3:3:1 के रेशियो में रॉन्गली डिवाइड हो गया आपका, ओके, 3:3:1 में, और होना कितना चाहिए था 3:2:1 में, ओके, तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना होता, 15,000, 10,000 एंड 5,000, ओके, सैलरी हाउ मच, 10,000 टू एक्स एंड जेड, सॉरी यहाँ पे जेड लिख दिया मैंने, ए एंड सी एंड दिस इज बी, दिस इज सी, ओके, देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक, 10,000 दिस साइड ऑल्सो,
कमीशन ऑफ रुपीज 6,000 टू बी एंड रुपीज 9,000 टू सी. सो कमीशन 6,000 टू बी एंड 9,000 टू सी. ओके, हमने सारा कुछ कर लिया. अब हमें क्या करना है, इसको ये सारा सब मुझे क्रेडिट करना है. ओके, सो वी हैव डन एवरीथिंग, वॉट एवर द जो भी हमने मिस्टेक किया था सब कुछ लिख लिया. ओके, अब हमें क्या करना है कि आपको एक केस देखना है. मान लो अगर फॉर्म सब कुछ सुधार रही है, अपनी सारी गलतियां को सुधार रही है, तो उसका जो करेक्ट प्रॉफिट है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि करेक्ट प्रॉफिट क्या है. तो अगर मान लो पीएनएल अप्रोप्रिएशन हम अगर फिर से बनाते हैं, मैं आपको बस समझाने के लिए बना रही हूँ. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अगर हम लोग बनाते हैं तो इसमें क्या कर रही है, फॉर्म की कितनी प्रॉफिट थी, 1,40,000 थी. अब ये फॉर्म अपनी क्या कर रही है, सारी गलतियों को सुधार रही है वन बाय वन. तो अगर वो सारी गलतियों को सुधारती है तो वो जो डिविजिबल प्रॉफिट जो उसकी या तो फिर आप बोल सकते हैं करेक्ट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट जो हमें एंड में मिलता है वो भी तो चेंज हो जाएगी. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, टोटल करो तो 30,000 मिला. सैलरी किसको किसको मिला, एक्स एंड जेड को, टोटल करो तो 20,000. कमीशन वाई एंड जेड को 15,000. ओके, अगर ये सारा सुधार रही है फॉर्म अपने आप को, तो यहाँ पे जो आता है जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ये हमारा आएगा 75,000. मैंने दोनों साइड 1,40,000 कर लेते हूँ. तो हमारी ये तो चेंज हो रही है. ओके, आपको बस मैं यही समझाने वाली थी कि अगर फॉर्म अपने सारे गलतियों को सुधारती है तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसके उसको हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट प्रॉफिट. ठीक है, ये भी चेंज हो जाएगी आपकी, ये चेंज हो जाएगी. तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप हमेशा तो आप एग्जाम में इतना बड़ा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके फाइंड नहीं करोगे. तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसका, फिर मैं आपको शॉर्टकट एक फॉर्मूला दूंगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट 75,000, जो कि आपको कैसे आया आपको पता चल गया. नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस कि आपको कैसे ये 75,000 लाना हो पता चल गया. और इसको कौन से रेशियो में बांटना है, 3:2:1 के रेशियो में बांटना है. ठीक है, और ये तो हमारा क्रेडिट ही होने वाला है आपको पता है. ठीक है, 37,500, 25,000 इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट है ये हम किसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि हमें ये वापस करना है, किसको, पार्टनर्स को देना है, क्योंकि ये डिविजिबल प्रॉफिट है. ओके, जो भी इसका आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट इफेक्ट. कितना आएगा, 25,000, 19,000 एंड 16,500. ये हमारा क्रेडिट है, ये हमारा डेबिट है एंड ये हमारा क्रेडिट है. अब ये जो करेक्ट प्रॉफिट है हम लोग इसके बारे में फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं. जर्नल एंट्री तो पास हो ही जाएगा, सब कुछ तो जर्नल एंट्री में दिया ही हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कैसे आता है. अगर हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने का समय नहीं है और यूजुअली नहीं मिलता है आपको जब आप क्या करते हो, एग्जाम में रहते हो. ओके, तो आप क्या करोगे, करेक्ट प्रॉफिट लाने का फॉर्मूला है, करेक्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट. ओके, नेट प्रॉफिट से आप क्या क्या माइनस करते जाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन. ओके, ये सारा माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट प्रॉफिट. तो आपको ये इतना बड़ा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं होती है, आपको थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला को आप ये याद करोगे. अब आपको अगर मान लो सपोज किसी क्वेश्चन में कमीशन नहीं दिया हुआ तो ये आइटम आपको यहाँ से नहीं लिखना है. मान लो किसी क्वेश्चन में आपको सैलरी नहीं दी हुई तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सैलरी नहीं लिखनी है. ओके, तो इस तरह से आप क्या करोगे, क्वेश्चन टैकल करोगे. हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं.
बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सॉरी सीज कैपिटल अकाउंट दिस इज 19,000 एंड ए का कितना था 2,500 एंड 16,500 सो दिस विल बी योर आंसर एडजस्टमेंट एंट्री ओके सो होप इन टूडेज वीडियो यू हैव लर्न्ड एनीथिंग जस्ट गो थ्रू इट अगेन एंड मेक द नोट्स ओके बाय पॉजिंग द वीडियो थैंक यू सो मच